दाएं हाथ को तोड़ूंगा, बाएं हाथ में पकड़ा दूंगा। या ना हमरा नहीं मारो, क्यों हमरा मारवे करबो ना। हां रोडवा बोलम खड्डा खनवा दो। हां एक बांस खड्डा महाराज खान दीजिए। मैं खड्डा खानने वाला दिखता हूँ ना। हां तो मैं दूर से। अच्छा उस खड्डा में बाबू गाड़ दीजिए ईरान से। हाँ कुछ उस खनवा खड्डा खान दीजिए, उस खड्डा में हमको गाड़ दीजिए। गाड़ दीजिए जल्दी कीजिए न सतत में चली जाऊंगी। एक सत दो सत ब्रह्मा विष्णु सत, अगर सत से बेशक हो जाऊंगा तो अंत नरक में जाऊंगा। महारानी रघुकुल दीदी शरा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब तो बीमारी आराम हो गया महारानी। कुछ कुछ हुआ है कहे छी अरे जाए वो यारो लहे कुछ कुछ करा लगला बीमारी कुछ कुछ हो। महारानी क्या कुछ कुछ कह रही है बीमारी। स्वामी जी जिस प्रकार से मेरी बीमारी धीरे 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 आराम हो रही है। अच्छा मैं आपसे साफ साफ सब कुछ कह देना चाहती हूँ। कहो महारानी। महारानी जी। हाँ जी। क्या नाम है मत बोलो ठंडे भर। कह दूँ। हो कहियो। स्वामी जी आप मुझे ये बताइए कि आप जो मेरे साथ शादी किए हैं आप अपने लिए शादी किए हैं ये आप सिद्ध बसंत के लिए शादी किए। पागल हो गई है तू। क्या हुआ शादी मैं अपने लिए किया हूँ या सिद्ध और बसंत के लिए। तो बताइए आज रात्रि में मैं अपने कमरे में सोई हुई थी और 12 बजे रात्रि में शीत बसंत मेरे कमरे में आकर के मेरे साथ जोर जबरदस्ती किया, मेरी इज्जत से खेलना चाहा। झूठ बोलने की कोशिश मत करो महारानी। और तो मैं झूठ बोल रही हूँ महारानी। शीत और बसंत के ऊपर तू कलंक लगा रही है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही है। मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। तो आपको मेरे बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। बिल्कुल नहीं। अभी मैं आपको ठोस सबूत दे रही हूँ। मंत्री जी बताइए रात्रि में क्या हुआ था मेरे साथ। हमरा शर्म लागे छे। बताइए अभी अभी बोलिया बताओ यो नजर करा कर लग रहे हैं महाराज। अभी अभी बाबू जो भी बताएंगे बिल्कुल सही बताएंगे। चलो आज रात में महारानी जी अपने महल में जोर जोर से चिल्ला रही थी। मंत्री जी बचाइए मंत्री जी बचाइए। जैसे हम दौड़ते हुए महल महारानी जी के पास पहुँचे तो महल में आज हमने क्या देखे है। आपके दोनों लाडले सीधर बसान महल में महारानी जी का सारी नोज रहा था। उतने में फट्ठा देना चालू किए कि दोनों भाई वहां से फिरा रहे हैं। बताइए दोनों भाई ने ऐसा क्या। देखिए सांप का गवाह बैंग बैंगवा से लिए हो। सांप और बैंग में तालमेल देखिए कितना। महारानी जी। हाँ जी। अरे खबर बार मेरे बच्चे के ऊपर कीचड़ उछाला तो। स्वामी जी अगर सही टाइम सही वक्त पर अगर मंत्री जी नहीं आते तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। कुछ नहीं होता तुझे नहीं तो मुझे तुम्हारे ठोस सबूत चाहिए। अच्छा इससे भी आपको ठोस सबूत चाहिए वो भी मैं रखी हूँ। मास्टर साहब दीजिए गेंद दे दिए थे रात में रखने के लिए। स्वामी जी आप ध्यान पूर्वक देखिए एक स्वामी जी जब रात्रि में सिद्ध बसंत मेरे पास आया था मेरे साथ जो जबरदस्ती कर रहा था उस समय में चिल्लाई बचा बचा तो मंत्री जी आए उन दोनों पे फट्टा चलाने लगे और डर से भाग निकले। उसी घड़ी ये गेंद मेरे बिस्तर पर छूट गया और मैं इस गेंद को आपको दिखाने के लिए रखी थी। अब आप बताइए बात सत्य है या गलत है महारानी। हाँ बोलिए
इस गैंद से साबित होता है कि शीत बसंत तुम्हारे कमरे में जरूर आया था। अगर वो दोनों ऐसा किया है तो इसका सजा उसे जरूर मिलेगा। जा हवेली में जाकर के आराम करो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। और मैं शीत बसंत को बुलाता हूँ। हेलो ए महाराज, ओ या हमरा लाइसन गस्ती रंग के हेलो छे आवाज में की थोड़ा कोर्नेस का बताओ घर में की हो गले। तू जा यहाँ से। प्रणाम करने से पहले ये बता, आज रात्रि में तुम दोनों कहाँ था और क्या कर रहा था? आज रात्रि में हम दोनों भाई अपने कमरे में आराम कर रहे थे। खबरदार अगर झूठ बोलने की कोशिश की तो। हाँ पिताजी, तुम्हारी माँ कह रही है कि तुम दोनों भाई अपने माँ के कमरे में जाकर के माँ के साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की, और तू कह रहा है कि अपने कमरे में तू आराम कर रहा था। महामंत्री गवाह है, तुम दोनों को ऐसा करते हुए देखा है। वो ऐसा कह रहा है, फिर भी तुम दोनों कह रहा है कि अपने कमरे में नहीं था। हाँ पिताजी, ऐसे बात झूठ है पिताश्री। महारानी मेरी झूठ बोल रही है। हाँ पिताश्री, तू सत्य कह रहा है। हाँ पिताश्री, कोई बात नहीं है पुत्र, ये बता, तुम्हारी माँ तुम्हें एक सुंदर सा गेंद खरीद करके दी थी। माँ को मर जाने के बाद जिस गेंद को तू हमेशा अपने सीने से लगा करके रखता था, आज वो गेंद तुम दोनों का कहाँ है? पिताश्री, वो गेंद दो तीन दिन पहले कहीं खो गया है पिताश्री। शट अप। हाँ पिताश्री, खो गया। हाँ पिताजी, पहचानता है इस गेंद को? किसका गेंद है ये? पिताश्री, एक गेंद तो हम दोनों भाई का है पिताश्री। भैया, एक गेंद तो हम दोनों भाई का। हाँ बसंत पिताजी, ये गेंद हम दोनों भाई का है। और ये गेंद मुझे महारानी ने दी। महारानी का कहना है शीत वसंत जोर जबरदस्ती कर रहा था, और जब मैं चिल्लाई, महामंत्री दौड़ते हुए मेरे पास आया, तो शीत और वसंत ने इस गेंद को मेरे बिस्तर पे छोड़ करके यहां से भाग गया। क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठा था मैं, क्या सोच करके मैं तुम्हें पाला था।